नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जी आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शायरी ब्लॉग अगर आप लिखते हैं तो उसमें कंटेंट कहाँ से लिखें जिससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ब्लॉगिंग के लिए आपके पास हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहला बात है कि अगर आप शायरी ब्लॉग बनाते हैं तो शायरी तो एक ही रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, अगर आप एक ही साइट के या एक ही पोएट के पोएट्री को अपने ब्लॉग में पोस्ट करते हैं, एक ही ब्लॉग में पोस्ट करते हैं, एक पोस्ट में ही आप बहुत सारा एक ही साइट से उठा करके आप वहाँ पर डाल देते हैं, तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक होने का चांस है। क्योंकि अगर आप कॉपीराइट अगर चेक करते होंगे तो आप देखते होइएगा उसमें 80% यूनिक 90% यूनिक आपको लिखता होगा। अगर किसी में आपका 100% कॉपीड वाला भी आता होगा, आपको वैसा चीज़ लिखना है जिसमें 80% आपका जो कंटेंट हो वो यूनिक हो। तो आप शायरी लिखेंगे कैसे? जैसे आपने किसी का शायरी कॉपी किया, कोई भी शायरी आपने कॉपी किया, तो उस शायरी का पहले इन्वायरमेंट बनाओगे आप ऊपर में। जैसे वो शायरी अगर मानते वसीम बरेली का शायरी है या फिर शायदी लुधियानवी का शायरी है, कुमार विश्वास का है, जिसका भी शायरी है, आप सबसे पहले उसके बारे में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ये शायरी उन्होंने कहाँ कहाँ बोला था ये सब बताएंगे। और नहीं भी आपको पता है तो आप थोड़ा बहुत उसका विकिपीडिया में निकाल सकते हैं और उससे में से थोड़ा बहुत आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद विकिपीडिया से अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका कॉन्टेंट कॉपीराइट नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। विकिपीडिया विकीमीडिया इन दोनों से अगर आप कॉपी करते हैं, फ़ोटो भी आप अगर फ्री फोटोग्राफ अगर गूगल से निकालते हैं तो वो आपका विकिपीडिया वाला ही शो करता है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है अगर विकिपीडिया से आप कॉपी करते हैं तो आप विकिपीडिया से उस पोएट का सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चिपकाएंगे और उसके बाद उसका एक शायरी चिपकाएंगे। और शायरी चिपकाने में आप इमोजी का यूज करेंगे, छोटा मोटा इमोजी जो है उसका आजू आजू में चिपकाते जाएंगे। जैसे शायरी लिखना चालू करते हैं, कोई दीवाना कहता है तो स्टार्टिंग में दिल लगा दीजिए, फिर दीवाना के आगे में पागल वाला साइन लगा दीजिए, ऐसा करके आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ शायरी का शायरी बस चिपकाते मत चले जाइएगा। अगर आप फ़ोटो वेबसाइट बना रहे हैं, अगर फ़ोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप उसमें शायरी अगर आप फ़ोटो के फ्रेम में डाल रहे हैं, सबसे पहले उसका हिंदी लिखिए, फिर उसका इंग्लिश लिखिए, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। आपको 1000 वर्ड भी पूरा करना है, क्योंकि शायरी से आपका 1000 वर्ड पूरा होने में बहुत मुश्किल होगा। तो आप सबसे पहले उसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखिएगा उससे 1000 वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा, आपने शायरी भी लिख दिया, आपको उसको लोग पढ़ भी रहे हैं, प्लस आपका जो कंटेंट है वो 100% कॉपीराइट क्लेम से ऊपर का है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब सबसे बड़ा बात है कि आप उसको कॉपी का किस किस साइट से करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रकीता करके एक साइट है, प्लस आप गूगल पे सर्च करेंगे अगर किसी भी पोएट का शायरी अगर सर्च करते हैं तो आप सबसे बड़ा ऑप्शन है, आप गूगल में नहीं सर्च करके फेसबुक में सर्च कीजिए। और फेसबुक में जो आप सर्च करते हैं उसको आप डायरेक्टली, जैसे 2 लाइन का शायरी है, कोई भी शायरी है, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको कॉपी करके गूगल में चेक कर लीजिए कि कहाँ कहाँ इस शायरी का यूज किया गया है। अगर वो जो शायरी है उसका यूज अगर 3 जगह से ज़्यादा किया गया है ब्लॉग में, या शायरी के रूप में आप देख रहे हैं कि उसका जगह यूज 3 जगह से ज़्यादा किया हुआ है, तो आप उस शायरी को छोड़ दीजिएगा, आप दूसरा शायरी बनाइएगा। देखिए शायरी ब्लॉग बनाना, कंटेंट आपको खुद से तो लिखना नहीं है, आपको चेकिंग करना है, चेक आप खुद से करते रहिएगा। तो कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए अगर आपको अगर थोड़ा अगर सहूलियत आपको शायरी ब्लॉग से अगर मिल रहा है तो आपको सारा यूज करना है डिफरेंट चीज़ों में। जैसे आपको चेक करना है कि ये जो शायरी है ये बहुत जगह पे लिखा हुआ है या नहीं है, या फिर आप कॉपी पेस्ट करने के बाद भी उसमें कुछ काम करेंगे जिससे उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आए नहीं, जैसे वो इमोजी वगैरह मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन डालना बताया, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ये सारा चीज़ आप करके अगर क्रिएट करके अगर आप पोस्ट करेंगे ना, आपके ब्लॉग पे बहुत अच्छा व्यू भी आएगा, आपका ब्लॉग बहुत अच्छा पब्लिश्ड होगा। और सबसे बड़ा बात है, आप जो भी कंटेंट लिखेंगे आप ये मत सोचिए कि आप किसी बाउंड्री में बने हुए। अगर आप lovesaree.com बनाते हैं, lovesaree.com आपका मेन पेज होगा, आप उसमें ब्रेकअप शायरी वगैरह सारा कुछ का अलग अलग जो लेबल दे करके आप उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप शायरी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो, इसमें बहुत कम रश है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो बना करके आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।